जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एनपीजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्रोमोसोम की खोज और क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में कुछ जानकारी आपको मिलेगी। याद ध्यान दीजिएगा, जब हम बात क्रोमोसोम की कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि क्रोमोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रोमो यानी क्रोमा, सोम्स यानी बॉडी, क्रोमो यानी कलर। और बॉडी यानी ये अंग या शरीर की बात करते हैं, यानी जो बॉडी कलर रिजन या रंग प्रदर्शित करती है स्टेनिंग के दौरान, उसी को क्रोमोसोम कहा गया है। क्योंकि क्रोमोसोम को फर्स्ट थी सबसे पहले कोशिका विभाजन के दौरान देखा गया था। ये धागे नुमा संरचना थी, इसे कोशिका विभाजन के दौरान धागे नुमा संरचना के रूप में ध्यान दीजिएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना के रूप में स्ट्रासबर्गर ने देखा था और फ्लेमिंग ने इसकी व्याख्या की। और वाल्डेयर ने इसका नाम क्रोमोसोम दिया। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमा यानी बॉडी, इसे क्रोमोसोम कहा गया। और यह रंग जो स्टेनिंग के दौरान जो रंग या कलर प्रोवाइड करते थे या रंग प्रदान करते थे, उसके आधार पर इसे फ्यूलजेन पॉजिटिव कहा गया। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्यूलजेन, उन्होंने इसकी स्टेनिंग की थी, इसे फ्यूलजेन स्टेनिंग के नाम से ही जानते हैं। जैसे बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग की बात करते हैं, जिसकी सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे स्टेनिंग टेक्निक बताई गई थी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और वहाँ पे बताया गया था कि क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने इसकी स्टेनिंग की थी। उसी प्रकार इसे क्रोमोसोम को यहाँ फ्यूलजेन पॉजिटिव स्टेनिंग प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स जो क्रोमोसोम का होता है, ये क्रोमोसोम के चारों तरफ जो इसके मेन द्रव्य के रूप में संरचना होती है जो इसको घेरे रखती है, वो मैट्रिक्स इसको सैरेडर नामक वैज्ञानिक ने मेन मास ऑफ क्रोमोसोम कहा। ये क्रोमोसोम का मुख्य द्रव्यमान या मुख्य द्रव्य या भाग होता है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो इसके अलग अलग भाग होते हैं, क्रोमेटिड्स, टीलोमियर, बिल्कुल आखिरी किनारे के जो छोर होंगे वो टीलोमियर के नाम से जाना जाता है। और कुंडली के रूप में जो संरचना ऐसे क्वाइल की हुई है, इसमें एक संरचना जो होती है वो सिगार जैसी होती है, प्रत्येक एक संरचना जो होती है वो सिगार जैसी होती है। ये सिगार जैसी इसकी संरचना, एक एक छल्ले जो होते हैं ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसके जो ग्रैन्यूल होंगे ये सिगार से होते हैं। कैसे होते हैं? सिगार से होते हैं। और ये सिगार से जो संरचनाएं हैं ये क्रोमोमियर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमोमियर्स। इसकी खोज की जो व्याख्या थी, इसे क्रोमोमियर को की व्याख्या का श्रेय जो है इजी बाल्बियानी नाम वैज्ञानिक को जाता है। इजी बाल्बियानी नाम वैज्ञानिक को जाता है। फिर क्रोमोमियर जब क्वाइलिंग करते हुए एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो उस क्रोमोमियर की श्रृंखला को क्रोमोनिमेटा कहते हैं, जिसके बारे में पारेंट जाइकी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। किसके बारे में? क्रोमोनिमेटा। क्रोमोसोम का बिल्कुल ऊपरी और आखिरी छोर टीलोमियर, इसकी जो सिगार से ग्रेन्यूल जैसी संरचनाएं होती हैं जो स्फेरिकली होती हैं, जो क्वाइलिंग करते हुए आगे बढ़ती हैं, वो क्रोमोमियर कहलाती हैं। और ये क्रोमोमियर की जो संरचनाएं होती हैं, जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, जो धागे नुमा संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को एक साथ क्रोमोनिमेटा कहते हैं।
और पूरे के पूरे इस पूरे फ्रेगमेंट में इस थर्ड लाइक जो पेयरिंग होती है, क्रोमोसोम के जो पेयरिंग संरचनाएं होती हैं उन्हें हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। अच्छा, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स और एक को कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर दोनों जब आपस में एक समान होते हैं, इसकी संरचनाएं एक जैसी होती हैं, उसे कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और एक समान नहीं होते हैं तो इसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है। जहां क्रोमेनिमेटा क्रोमोमियर आपस में एक दूसरे से उलझते हुए फ्यूज कर जाते हैं, जिस पोजिशन में एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और वही संरचना सेंट्रोमियर के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, जिस क्रोमोसोम में अगर सेंट्रोमियर की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है वो क्रोमोसोम फंक्शनल नहीं होते हैं, वो क्रोमोसोम सक्रिय नहीं होते हैं, अगर उनकी सेंट्रोमियर की संख्या क्या हो, बहुत ज्यादा हो। नॉर्मली एक से दो या तीन सेंट्रोमियर जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स आपके फंक्शनल होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मैंने आपको यहाँ बताया कि क्रोमोसोम को सबसे पहले धागे में संरचना के रूप में किसने देखा था, स्ट्रासबर्गर ने। इसकी व्याख्या किसने की, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। 1872 में स्ट्रासबर्गर ने देखा, 1882 में फ्लेमिंग ने इसकी व्याख्या की। क्रोमोसोम नाम देने का श्रेय डब्ल्यू वाल्डेर को जाता है, 1888 में इसे क्रोमोसोम नाम दिया। संरचना के आधार पे, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे मैंने क्रोमोसोम के प्रकार आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं केवल क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, जो क्रोमोसोम के भिन्न भिन्न भाग होते हैं उन भागों की बात कर रही है जिससे मिलकर ये क्रोमोसोम का निर्माण हुआ है। बिल्कुल ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे जो छोर के रूप में होगा उसे हम कहेंगे टीलोमियर। इससे कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या जब कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर के बाद और बनने लगते हैं तो वो छोटा सा जो पार्ट होता है क्रोमोसोम का उसे सैट क्रोमोसोम या सेटेलाइट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और जहां पे क्रोमोमियर एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए चिपक कर एक जगह फ्यूज हो जाते हैं वो संरचना प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाती है, जिसे सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ने पर अगर ये अंदर की तरफ धसी हुई संरचना फिर प्रदर्शित करते हैं, जहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। ये आपके सामने क्रोमोसोम की मैंने संरचना प्रस्तुत की, और क्रोमोसोम के बारे में किस किस वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी अपनी बातें रखी थी यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के कार्य के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।